टुगेदर फॉरएवर। मैं हूँ स्वरा। मिस्टर अरोड़ा ने अपने हाथों से इंक स्लैब को देखा और देखते ही देखते वो खुशी में बोले, बेटा तुम इसे बेचना चाहोगी? अगर चाहती हो तो मैं तुम्हें इसके लिए इसकी मार्केट प्राइस पे कर सकता हूँ, मिस्टर अरोड़ा ने कहा। मिस्टर अरोड़ा सिर्फ एंटीक चीज़ों के एक्सपर्ट ही नहीं थे, उन्हें लिखने का भी बहुत शौक था। वो लिखने में इन चीज़ों को यूज़ करते थे और ये उन्हें बहुत पसंद था। भाई देखो मिस्टर अरोड़ा, मैं दीपिका को आपसे पहले जानता हूँ, अगर वो इसे बेचेगी ना तो फर्स्ट कस्टमर तो मुझे ही होना चाहिए, आप इसे मुझसे नहीं छीन सकते। मिस्टर वर्मा तुरंत इंक स्लैब को छीनने के लिए खड़े हो गए। हालांकि मिस्टर वर्मा मिस्टर अरोड़ा की तरह प्रोफेशनल नहीं थे, लेकिन वो चीज़ों के कद्रदान थे। उन्हें लिखने पढ़ने का कोई शौक नहीं था, लेकिन उन्हें एंटीक चीज़ें इकट्ठा करना अच्छा लगता था। अपने सामने दो बुजुर्गों को इस तरह लड़ते देख दीपिका को थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हुई। वो दो इज्जतदार लोगों को एक इंक स्लैब के लिए लड़ते हुए नहीं देखना चाहती थी। दीपिका समझती थी कि मिस्टर वर्मा उसे पहले मिले थे, इसीलिए अपना हक जता रहे थे। दूसरी ओर मिस्टर अरोड़ा ने तुरंत इंक स्लैब को मिस्टर वर्मा से बचाने के लिए अपने हाथों में छुपा लिया। भाई देखो मिस्टर वर्मा, आपको लिखाई पढ़ाई का बिल्कुल शौक नहीं है, फिर आपको इसकी क्या जरूरत है? अरे भाई ठीक है, मैं लिखता नहीं हूँ, लेकिन मुझे एंटीक चीजों से तो प्यार है, मिस्टर वर्मा ने हक जताते हुए कहा। मिस्टर अरोड़ा को डर था कि कहीं सच में दीपिका ये इंक स्लैब मिस्टर वर्मा को ना बेच दे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। फिर उन्होंने अपना इक्का चलाने का मन बनाया। वर्मा साहब, अगर आप इसे मुझे खरीदने दोगे ना तो मैं आपको अपनी 10 साल पुरानी पीच ब्लॉसम वाइन की एक बॉटल दे दूंगा, मिस्टर अरोड़ा ने मिस्टर वर्मा से कहा। यह सुनकर मिस्टर वर्मा खुश हो गए। उन्होंने इंक स्लैब के लिए लड़ना छोड़ दिया और एक डील की। एक नहीं, मैं तो 2 बॉटल्स लूंगा, बोलो मंजूर है तो ये ले लो इंक स्लैब। मिस्टर अरोड़ा थोड़ा सा परेशान हुए, वो ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन उस इंक स्लैब के लिए उन्होंने आखिर में समझौता कर लिया। ठीक है चलो, जैसा आप कह रहे हो वैसा ही सही, 2 बॉटल्स पक्की, मिस्टर अरोड़ा ने चिढ़ते हुए कहा। उसके बाद मिस्टर वर्मा खुश थे, वो वापस अपनी सीट पर चले गए। और तभी मिस्टर अरोड़ा को एहसास हुआ कि दीपिका ने अभी तक उस इंक स्लैब को बेचने के बारे में कुछ नहीं कहा। अरे बेटा, मैंने तो तुमसे पूछा ही नहीं, क्या तुम इसे अपने अरोड़ा दादा को बेच रही हो? मिस्टर अरोड़ा ने दीपिका को बहुत उम्मीद से देखते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि वो इंक स्लैब से बहुत प्यार कर बैठे हैं, अगर दीपिका ने उसे वापस ले लिया तो मानो उनके शरीर से उनका कोई हिस्सा ही कट जाएगा। मिस्टर अरोड़ा जो अभी तक बहुत सीरियस दिख रहे थे, अब एकदम बिल्कुल अलग। असल में दीपिका ने मिस्टर अरोड़ा को उस इंक स्लैब को चेक करने के लिए ही बुलाया था, क्योंकि वो उन्हें ही बेचना चाहती थी। पर वो पूरी तरह नहीं जानती थी कि मिस्टर अरोड़ा ऐसा चाहेंगे या नहीं, पर चूंकि वो एंटीक चीज़ों के एक्सपर्ट थे तो एक असली एंटीक चीज़ छोड़ना नहीं चाहेंगे। हाँ हाँ बेशक, ये भी कोई पूछने वाली बात है, दीपिका ने जवाब दिया। मिस्टर अरोड़ा अब बहुत खुश थे। बहुत अच्छा बेटा, अब मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, ये इंक स्लैब मुगल टाइम का है और ये फेमस सिंगर तानसेन का था, पता है इसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए है और मैं तुम्हें पूरे 5 लाख दूंगा, क्या तुम्हें ये कीमत मंजूर है? ठीक है जैसा आप कहें, दीपिका बिना किसी हिचकिचाहट के मान गई। जब तक कीमत ज्यादा कम ना मिल रही हो उसे पैसों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। बेटा अगली बार अगर तुम लकी होती हो तो तुम पहले मेरे पास आना। हालांकि मिस्टर वर्मा ने मिस्टर अरोड़ा से लड़ाई नहीं की, लेकिन वो अभी भी मन ही मन नाराज थे। दीपिका थोड़ा सा मुस्कुराई। वर्मा दादा, आपने 2 बॉटल्स पीच ब्लॉसम वाइन के लिए एक इंक स्लैब छोड़ दिया, मुझे लगता है कि आपको वाइन बहुत पसंद है, तो मेरे पास एक वाइन ग्लास है आपके लिए, क्या आप इसे एक बार देखना चाहेंगे? इतना कहकर दीपिका ने अपने बैग से वो वाइन ग्लास निकाला। उसे देखते ही मिस्टर अरोड़ा और मिस्टर वर्मा को झटका लगा। वो सोच ही नहीं पा रहे थे कि ये लड़की इतनी लकी होगी, अगर ये फिर से असली निकला तो इसका मतलब जरूर इस लड़की के पास कोई स्पेशल स्किल है। मिस्टर वर्मा दीपिका के पास बैठ गए। जैसे ही दीपिका ने ग्लास निकाला तो मिस्टर वर्मा उसे लेकर घूरने लगे, लेकिन आखिरकार वो एक एक्सपर्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने तुरंत इसे मिस्टर अरोड़ा को दे दिया। अरोड़ा साहब जरा चेक तो करके बताओ इसे, मन में शक के साथ मिस्टर अरोड़ा ने तुरंत मिस्टर वर्मा के हाथ से वो ग्लास लिया। वो वाइन ग्लास गोल सीधा और गहरा था, उस पर एक शेर का मुंह बना हुआ था, ये राजा अशोक के समय का वाइन ग्लास था। मिस्टर अरोड़ा ने चेकिंग के दौरान इसके मटेरियल और इसके निशान पर ध्यान लगाया। मिस्टर वर्मा काफी क्यूरियस थे मिस्टर अरोड़ा से रिजल्ट जानने के लिए, लेकिन वो अभी उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। थोड़ा वक्त लगाने के बाद मिस्टर अरोड़ा ने खुशी से कहा, माय गॉड, ये ओरिजिनल है और वो भी राजा अशोक के समय का, ये एक शाही वाइन ग्लास है। क्या सच में? खुशी से मिस्टर वर्मा अपनी सीट से कूद पड़े। ये देखकर दीपिका को मिस्टर वर्मा की थोड़ी चिंता हुई, वो नहीं चाहती थी कि इतनी उम्र में उन्हें कहीं चोट लग जाए। हाँ हाँ ये असली है, म्यूजियम में कई शाही वाइन ग्लास हैं और मैं इन्हें अच्छे से पहचानता हूँ, मिस्टर अरोड़ा ने एक्साइटमेंट में जवाब दिया। मुझे ये पसंद है, आई लाइक इट, मिस्टर वर्मा खुशी में जोर से हंसने लगे। उन्हें डर था कि मिस्टर अरोड़ा इसके लिए उनसे लड़ेंगे, इसलिए उन्होंने वो वाइन ग्लास अपने हाथों में दोबारा से ले लिया। दीपिका और मिस्टर अरोड़ा उनके इस बिहेव से कुछ हैरान हुए। हालांकि मिस्टर अरोड़ा को अशोका के समय का वो शाही वाइन ग्लास बहुत पसंद आया था, इसलिए इसके लिए वो मिस्टर वर्मा से लड़ेंगे नहीं, क्योंकि अभी अभी उन्हें एक स्लैब जो मिला था। अरोड़ा साहब इसकी कीमत क्या होगी? मिस्टर वर्मा ने पूछा। भाई देखो, 10 साल पहले म्यूजियम में ऐसे हर वाइन ग्लास की कीमत 3 लाख रुपए थी,
तो अब इसकी कीमत इसके 10 गुना लगा लो, यानी कुछ 30 लाख रुपए, मिस्टर अरोड़ा ने कहा। हालांकि राजा अशोक इसे यूज नहीं करते थे, लेकिन फिर भी ये उनके महल में था और क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। ये शाही सामान था, इसलिए इसकी कीमत अभी भी कम नहीं थी। ग्रेट ग्रेट, तो बेटा मैं तुम्हें इसके लिए 30 लाख रुपए दूंगा, आपको मंजूर है? मिस्टर वर्मा ने दीपिका से पूछा। हाँ वर्मा दादा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दीपिका ने जवाब दिया। डील के बाद उन्होंने एग्रीमेंट पर साइन किए बिना पैसे ट्रांसफर कर दिए। दीपिका को उन दोनों बुजुर्गों पर पूरा भरोसा था, वो रूल्स नहीं तोड़ेंगे ना ही किसी को धोखा देने का काम करेंगे। और इसके अलावा अब तो डील हो गई थी, बाद में अगर ये चीजें नकली निकलती हैं तो कोई इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। सब कुछ हो जाने के बाद मिस्टर वर्मा और मिस्टर अरोड़ा को कुछ जरूरी याद आया। मिस्टर अरोड़ा ने दीपिका से पूछा, क्या तुमने ये वाइन ग्लास को भी बस ऐसे खरीद लिया था? हाँ वर्मा दादा, दीपिका ने ईमानदारी से जवाब दिया। उसके हाँ बोलने के बाद मिस्टर अरोड़ा और मिस्टर वर्मा दोनों ने गहरी सांस ली। उन्हें यह समझ ही नहीं आ रहा था कि दीपिका को कैसे पता था कि ये दोनों चीजें असली थी। दोनों मन ही मन उसकी लक से हैरान थे। वेल, सारी डील हो जाने के बाद दीपिका ने जाने की बात की। जाने से पहले मिस्टर अरोड़ा ने उसे अपना कार्ड दिया और कहा, बेटा अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम मुझे अरोड़ा दादा कह सकती हो, जैसे तुम मिस्टर वर्मा को वर्मा दादा कहती हो। अगर आगे भी कभी तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो बस एक कॉल करना, और हाँ, अगर तुम्हारे पास कोई और एंटीक चीज हो तो तुम मुझे चेक करने के लिए दे सकती हो, लेकिन अगर वो मुझे पसंद आएगा तो मैं उसे खरीद लूंगा, ठीक है? मिस्टर अरोड़ा दीपिका से दोस्ती करना चाहते थे। टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है अरोड़ा दादा, अगर आगे कभी भी मुझे कोई असली एंटीक चीज मिलती है तो मैं सबसे पहले आपको कॉल करूंगी, दीपिका ने उनका बिजनेस कार्ड लेते हुए कहा। उसके पास अपना बिजनेस कार्ड नहीं था, इसीलिए उसने एक कागज और एक पेन निकाला और अपना नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखे और मिस्टर अरोड़ा को दे दिया। अरे तुम सिर्फ अरोड़ा साहब के पास नहीं जा सकती, तुम्हें मुझे भी याद करना होगा भाई, मिस्टर वर्मा ने कहा। वो पीछे नहीं हटना चाहते थे। हाँ बिल्कुल करूंगी, दीपिका को हंसी आ गई। ये दोनों बुजुर्ग सच में बहुत अच्छे थे। दीपिका के जाने के बाद मिस्टर अरोड़ा खुद को उसकी तारीफ करने से रोक नहीं पाए। सच में बड़ी प्यारी बच्ची है, टैलेंटेड भी कितनी है। देखो आज सुबह उसने 3 हाई क्वालिटी जेड कटवाए थे और एक बार में 1 करोड़ रुपए कमा लिए, मिस्टर वर्मा ने कहा। क्या, ये कैसे हो सकता है, उसने एक ही दिन में 3 हाई क्वालिटी के जेड कटवाए? मिस्टर अरोड़ा हैरान हुए क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना था। मिस्टर वर्मा ने यह नहीं बताया कि दीपिका एक ज्वेलरी कंपनी भी खोलने जा रही है। अगर शायद वो ये बात बताते तो पक्का मिस्टर अरोड़ा को कहीं सदमा ना लग जाता कि इतनी छोटी सी उम्र में कोई कैसे इतना काबिल हो सकता है। मिस्टर वर्मा को यह भी पता था कि उन्हें क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि दीपिका की कंपनी अभी रजिस्टर भी नहीं हुई थी, सो अभी कुछ भी कहना सही नहीं होता। दीपिका ने स्टोन गैम्बलिंग मार्केट से निकलते ही अपने ड्राइवर को कॉल किया। उसका ड्राइवर आधे घंटे पहले ही आ गया था, लेकिन दीपिका आधे घंटे से मिस्टर वर्मा और मिस्टर अरोड़ा के साथ थी, इसलिए वो आने में आधे घंटे लेट हो गई। जब वो एंटीक चीजों की गली से निकली तो उसे एक पहचानी हुई कार दिखी और वो उसके पास चली गई, लेकिन जब उसने कार का दरवाजा खोला तो ड्राइवर कोई और था। इससे पहले कि दीपिका कुछ पूछ पाती वो आदमी बोला, दीपिका मैम आपके ड्राइवर की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी इसलिए आज उसकी जगह मैं आया हूँ। दीपिका को कोई शक नहीं हुआ, उसने सिर हिलाया और फिर कार में बैठ गई। कार स्टार्ट हुई और वहां से वो लोग निकल गए। एंटीक चीजों की गली से निकलने के बाद कार उस रास्ते पर नहीं गई जिससे वो आए थे। उस ड्राइवर ने बताया, मैम अभी रश का टाइम है और आगे ट्रैफिक जाम लगा है, हम दूसरे रूट से होटल जाएंगे तो टाइम काफी बच जाएगा। दीपिका को बैंगलोर के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता था, इसलिए ड्राइवर ने जो कहा उसे सही लगा, और जैसा कि उस ड्राइवर ने कहा था उसने कम रश वाली सड़क को चुना। लेकिन लगभग 20 मिनट बाद कार एक सुनसान गली में चली गई। ये देखकर दीपिका को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत उस ड्राइवर की गर्दन पकड़ी और कहा, कार रोको, इमीडिएटली कार को रोक दो यहां पर। उस ड्राइवर को उम्मीद नहीं थी कि दीपिका इतनी जल्दी समझ जाएगी और वो इतनी स्ट्रांग होगी। जैसे ही दीपिका ने उसकी गर्दन पकड़ी वो सांस नहीं ले पा रहा था, इसलिए उसने झटके से ब्रेक मार दी। साफ साफ बताओ किसने भेजा तुम्हें, दीपिका ने एकदम कॉन्फिडेंस से पूछा। और इससे पहले कि ड्राइवर उसके सवाल का जवाब दे पाता तभी कई आदमी कुछ दूर खड़ी एक कार से निकलकर उनकी तरफ भागे। ये देख दीपिका को गुस्सा आ गया और उसने ड्राइवर पर अटैक कर उसे बेहोश कर दिया। क्या सच में इस लड़की ने ड्राइवर को इतनी आसानी से बेहोश कर दिया? कार के सामने खड़े एक आदमी ने देखा कि अंदर क्या हुआ था। उसने हैरान होकर अपने बगल वाले आदमी से कहा, क्या ऐसा कैसे हो सकता है, ये छोटी सी लड़की ने ऐसा कैसे कर दिखाया? लेकिन वो आदमी दीपिका से बिल्कुल भी नहीं डरा, उसकी बजाय उसने उन्हें ऑर्डर दिया, फटाफट से इस लड़की को अभी बाहर खींचो। लेकिन इससे पहले कि कोई आगे आता दीपिका ने कार का दरवाजा खुद ही खोल दिया। उसकी जेड आइज अब पावर से भरी हुई थी और उसके अंदर अब बहुत एनर्जी थी। वो बाहर खड़े इन आदमियों से डरती नहीं थी। दीपिका खुद बाहर निकल गई, इसलिए जो आदमी उसे खींचने आ रहा था वो वहीं रुक गया। जब उसने दीपिका का चेहरा देखा तो सभी लोग उसकी सुंदरता देखकर चौंक गए। क्या खूबसूरत जवान लड़की है, दीपिका ने पहले शांति से उन सबको देखा। वो सभी गुंडे 20 या 30 साल के थे, जरूर किसी गैंग से होंगे, दीपिका ने सोचा। उन लोगों का हेड लगभग 30 साल का था, वो एक खट्टा कट्टा आदमी था, वो दिखने में काफी वॉयलेंट लग रहा था।
अगर किसी नॉर्मल इंसान ने उसे देखा होता तो शायद वो जरूर डर जाता, लेकिन दीपिका कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, इसीलिए उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। उसने कॉन्फिडेंस से उनसे सवाल किया, सोनम ने तुम लोगों को यहाँ भेजा है ना? दीपिका जानती थी कि बैंगलोर शहर में सिर्फ सोनम से उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे और सोनम के अलावा उसको कोई और नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं ये कहानी, मैं हूं स्वरा। पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं ये कहानी, टुगेदर फॉरएवर, मैं हूं स्वरा। दीपिका की बात सुनकर उन लोगों को झटका लगा। वो हैरान थे कि दीपिका जानती थी कि उन्हें किसने भेजा था। उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि जरूर दीपिका का सोनम के साथ कुछ पंगा हुआ होगा, इसलिए वो जानती थी कि क्या हो रहा था। दीपिका की बात सुन उन गुंडों के लीडर को लगा कि अब उसे साफ बात कह देनी चाहिए। अरे वाह लड़की, जब तुम जानती ही हो किससे तुम्हारी दुश्मनी है तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि तुमने जो किया वो बहुत गलत था। इसलिए आज हम तुम्हें सबक सिखाने आए हैं, माफ करना, गुंडों के लीडर ने कहा। ये जानते हुए कि दीपिका को सोनम पसंद नहीं थी, सोनम ने अपना नाम छिपाने की जरा भी कोशिश नहीं की। ऐसा लगता था कि वो बहुत कॉन्फिडेंट थी। शायद वो इतनी कॉन्फिडेंट थी कि उसे लगा दीपिका सिर्फ इन आदमियों के सामने ही झुक सकती है। अरे वाह, अगर तुम ये जानते हो कि किसी से बेवजह दुश्मनी नहीं करनी चाहिए तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि शायद मैं वो इंसान हूँ जिससे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए? दीपिका ने शांति से पूछा। वो उनसे बात करते हुए बिल्कुल भी डर नहीं रही थी। दीपिका की बात सुनकर पहले तो वो लोग चुप हो गए, लेकिन फिर जोर जोर से हंसने लगे। अरे लड़की, तुम जानती हो कि हम कौन हैं? हम किंग गैंग से हैं, डॉन गैंग। कभी सुना है इसके बारे में? हम इस एरिया के दो सबसे बड़े गैंग्स में से एक हैं, और तुम हमसे कभी भी पंगा नहीं ले सकती हो, उस आदमी ने मजाक उड़ाते हुए कहा। दीपिका मन ही मन थोड़ा सा घबराई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो डॉन गैंग से थे। वैसे भी क्योंकि वो यहाँ उसकी परेशानी का कारण थे, तो दीपिका ने आखिर तक उनसे लड़ने का फैसला किया। गैंग का लीडर इतना बेवकूफ हो सकता था? अगर नहीं तो ये आदमी लीडर कैसे बना, और आखिर ये अपने गैंग को संभालता कैसे होगा इतनी बेवकूफी के साथ? मैं इसका बदला नहीं लेना चाहती, दीपिका ने धीरे से कहा। जब उन गुंडों को लगा कि दीपिका उनसे डर रही थी तो उसने फिर से कहा, क्योंकि तुम लोग मुझे हरा नहीं पाओगे। इसके बाद दीपिका ने उन पर सबसे पहले अटैक किया। उसने सीधा उन गुंडों के लीडर के पेट पर किक मारी। दीपिका ने बहुत तेजी से घूमकर उसे मारा था, इसीलिए उस आदमी के पास खुद को बचाने का समय नहीं था। किक सीधा उसके पेट पर लगी और वो हवा में उड़ गया, जैसे किसी भारी चीज से वो टकराया हो। दर्द से करहाता हुआ वो जमीन पर गिर गया। ये देख बाकी तीनों आदमी सदमे में आ गए। अभी जो कुछ हुआ उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें लगा वो कि सपना देख रहे हैं। वहीं दीपिका को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो क्या सोच रहे थे। गैंग के लीडर पर अटैक करने के बाद उसने सीधे दूसरे आदमी पर अटैक किया। हालांकि दूसरे आदमी ने दीपिका को अपनी तरफ आते हुए देख लिया था, लेकिन इससे पहले कि वो संभल पाता उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया दीपिका ने। उसके कुछ दांत टूट गए और खून से लथपथ वो जमीन पर गिर गया। बाकी दोनों गुंडे और डर गए, लेकिन वो किसी डरपोक की तरह भागना नहीं चाहते थे, इसलिए वो दीपिका को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़े। दीपिका ने जल्दी से अपना बैग उठाकर अपने सामने वाले आदमी के मुंह पर दे मारा। बैग इतनी तेजी से उस आदमी के मुंह पर लगा कि वो पास की दीवार से जाकर टकराया और चक्कर खाकर गिर गया। आखिरी आदमी को भी मारने के लिए दीपिका ने अपना बैग उठाया, पर वो किसी तरह बच गया। ये देख दीपिका ने तुरंत उस आदमी के घुटनों पर किक मारी, और किक लगते ही उस आदमी का बैलेंस बिगड़ गया और वो अपने घुटनों पर गिर गया। ओहो, क्या तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? सॉरी, तुम मेरे लायक नहीं हो, दीपिका ने उसकी हंसी उड़ाते हुए कहा। फिर उसने अपने बैग से उस आदमी के सिर पर मारा और वो वहीं ढेर हो गया। दीपिका ने थोड़ी ही देर में चार गुंडों को मार गिराया था। हालांकि उनके हाथ पैर सलामत थे, लेकिन चारों अभी भी इस हालत में नहीं थे कि वो उठ खड़े हों। उन्हें मारने के बाद वो तुरंत वहां से नहीं गई, बल्कि वो उन गुंडों के लीडर के पास गई। दीपिका को अपने पास आता देख वो घबरा गया और घबराहट में कहता है, तुम क्या करना चाहती हो? माफ कर दो मुझे। वो डर गया था, वो बचना चाहता था, लेकिन भागना तो दूर की बात, वो अभी खड़ा भी नहीं हो सकता था। दीपिका ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने जमीन से उस लीडर का फोन उठाया और पूछा, क्या सोनम ने तुम्हें कॉल किया था? हाँ, सोनम ने कॉल किया था, उस गुंडे ने तुरंत डरते हुए जवाब दिया। फिर दीपिका ने उस आदमी की कॉल लिस्ट चेक की और उसमें सच में सोनम का नाम था। करीब 2:15 पर कॉल किया गया था और कॉल 7 तक चली थी। सोनम ने तुम्हें मेरे साथ क्या करने को कहा था और इसके लिए कितने पैसे दिए थे, बताओ जल्दी, दीपिका ने पूछा। मैम, वो चाहती थी कि हम तुम्हारा रेप करें और उसका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दें। इसके लिए उसने हमें ₹1,00,000 दिए, उस आदमी ने डरते हुए जवाब दिया। दीपिका को इससे शौक नहीं लगा, पर वो उदास थी। रेप, एक औरत दूसरी औरत से बदला लेने के लिए क्या रास्ता चुनती है? इससे पहले सलोनी ने भी ऐसा किया था, और दीपिका ने अंदाजा लगाया कि आगे जिस भी औरत से उसकी दुश्मनी होगी वो शायद उसके साथ यही करेगी। इस बात पर उसे कोई शक नहीं था। उधर सलोनी ने इस काम के लिए कुछ ₹1,000 दिए थे, जबकि सोनम ने ₹1,00,000। तो क्या दीपिका की इज्जत कुछ चंद हजार या लाख रुपए की ही थी? नहीं, दीपिका की इज्जत की कोई कीमत नहीं थी, और इस बार दीपिका सच में सोनम को माफ नहीं करेगी। हालांकि सलोनी ने भी उसके साथ ऐसा ही किया था, लेकिन सलोनी उसके लिए कोई खतरा नहीं थी। सलोनी को वो बहुत आराम से उसके किए की सजा दे सकती थी, लेकिन सोनम जो बदले के लिए डॉन गैंग के पास गई,
अब वो बहुत बड़ी मुश्किल में थी। दीपिका अब उससे पूरी तरह से चिढ़ गई थी। उसने उस आदमी के फोन से ही सोनम को कॉल किया। उस समय सोनम एक रेस्टोरेंट में रणबीर के साथ खाना खा रही थी, जहां का माहौल काफी शांत और अच्छा था। रणबीर, मैंने सुना है गोइंग अप टुगेदर नाम की कोई फिल्म लगी है, बहुत अच्छी फिल्म है, क्यों ना हम इसे देखने चले साथ में? सोनम ने बहुत उम्मीद के साथ रणबीर से कहा। वो एक स्पेशल कारण से फिल्म देखना चाहती थी। फिल्म में हीरो और हीरोइन बचपन से एक दूसरे को जानते थे और एक साथ बड़े हुए। सोनम और रणबीर भी साथ ही बड़े हुए थे, इसीलिए सोनम इस फिल्म के नाम पर रणबीर के लिए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहती थी। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब सोनम ने रणबीर को उसके लिए अपनी फीलिंग्स बताई हो और उसने मना कर दिया हो, लेकिन वो हमेशा कोशिश करती रहती थी क्योंकि वो रणबीर से बहुत प्यार करती थी। इसके अलावा अगर उनकी शादी हो जाती है तो गर्ग परिवार के लिए ये काफ़ी अच्छा होता। सॉरी, मुझे कुछ काम है, तुम अपने फ्रेंड्स के साथ जा सकती हो, रणबीर ने कहा। उसका मना करने का यही तरीका था। क्या ना रणबीर, मैं जब भी तुम्हें फिल्म के लिए बोलती हूँ तुम हमेशा बिजी हो जाते हो, क्यों करते हो तुम ऐसा? हालांकि सोनम को पता था कि क्या होना है, फिर भी जवाब सुनकर उसे दुख हुआ। वो अपने आप को रणबीर के सामने बहुत अच्छे से प्रेजेंट करती थी, फिर भी वो उसके साथ हमेशा ऐसे क्यों बातें करता था? सोनम एक अच्छे खासे परिवार की एक खूबसूरत और एजुकेटेड लड़की थी। उसके पास वो हर चीज़ थी जो किसी भी आदमी को चाहिए हो, और तो और उसके कई चाहने वाले थे, लेकिन वो सिर्फ रणबीर को चाहती थी। लेकिन रणबीर था कि वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता था, और सोनम उसकी छोटी बहन या उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती थी, वो उसकी बीवी बनना चाहती थी। सुनो रणबीर, सोनम कुछ और कहती इतने में उसका फ़ोन बजा। सोनम का फ़ोन डाइनिंग टेबल के एकदम साइड पर रखा था। कॉल करने वाला रॉकी था। पहले तो सोनम थोड़ा घबरा गई, लेकिन फिर उसे खुशी हुई। ये कॉल तो मुझे उठानी पड़ेगी। सोनम तुरंत अपना फ़ोन लेकर अपनी सीट से उठी और वहां से चली गई। वो नहीं चाहती थी कि रणबीर कुछ भी सुने। इससे पहले कि कॉल उठाने वाला सामने से कुछ कहे, सोनम ने खुशी से पूछा, हाँ रॉकी, काम पूरा हो गया? बाकी के 50,000 मैं तुम्हें कुछ देर में भिजवाती हूँ। ओ सोनम, तुम्हारी नज़रों में मेरी कीमत सिर्फ 1,00,000 रुपये है, दीपिका ने पूछा। दीपिका, तुम? दीपिका की आवाज़ सुनकर सोनम शॉक में आ गई। उसने अपना फ़ोन लगभग फेंक ही दिया था। आखिर क्यों, कैसे हो सकता था ये, कैसे पॉसिबल हुआ? क्या हुआ, वो चार गुंडे पैसे लेने के बाद भी अपना काम पूरा नहीं कर पाए? सोनम, आज जो भी हुआ मैं उसे याद रखूंगी, और तुम्हें इसका हिसाब चुकाना होगा, इसलिए अब मुझसे बचकर रहना, दीपिका ने उसे साफ चेतावनी दी। तुम मुझे धमकी दे रही हो? हालांकि सोनम डरी हुई थी, लेकिन दीपिका की बातें सुनकर वो चिढ़ गई। उसके चेहरे का रंग तुरंत बदल गया था। हाँ, धमकी दी है मैंने तुम्हें, दीपिका ने बिना किसी हेजिटेशन के कहा। सोनम गुस्से में थी, लेकिन अब उसे अफसोस भी हो रहा था। थोड़ी देर बाद दीपिका ने कहा, सोनम जब तुम ऐसा कुछ करने के बारे में सोच सकती हो तो तुम्हें इसके रिजल्ट के लिए भी तैयार रहना चाहिए ना। उसके बाद सोनम के कुछ भी कहने से पहले दीपिका ने फोन रख दिया। सोनम इतने गुस्से में थी कि उसने अपना फोन लगभग तोड़ ही दिया था। वैसे तो वो दीपिका के बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन क्योंकि दीपिका ने रॉकी के फोन से कॉल किया था तो वो कोई नॉर्मल लड़की तो हो नहीं सकती, इसलिए दीपिका की धमकी से सोनम थोड़ा डर गई। अब सोनम सच में कोई फिल्म देखने के मूड में नहीं थी। उसने जैसे तैसे खाना खत्म किया और फिर रणबीर से उसे घर छोड़ने के लिए कहा। उसे चिंता थी कि घर जाते समय रास्ते में उसके साथ कुछ बुरा होगा। सोनम ने रणबीर को कहा कि वो थोड़ी देर के लिए उससे कोई बात ना करे, जिसे सुनकर रणबीर मन ही मन खुश था, पर अगर उसे इसके कारण का पता होता तो शायद वो इतना शांत नहीं होता। दूसरी तरफ दीपिका ने कॉल काटते ही उस आदमी को फोन वापस किया और वहां से चली गई। दीपिका को नहीं पता था कि वो दोबारा उससे बदला लेने की कोशिश करेंगे या नहीं। खुद को बचाने के अलावा वो कुछ और नहीं कर सकती थी। उसने ड्राइवर सीट से बेहोश आदमी को बाहर खींचकर जमीन पर गिरा दिया और फिर खुद अंदर बैठ गई। उसने कार स्टार्ट की और वहां से चली गई। दीपिका के जाने के बाद गली के दूसरी तरफ एक काली मर्सिडीज वहां आकर रुकी। कार की खिड़की धीरे से नीचे हुई। दीपिका ने जो कुछ वहां किया, कार के अंदर बैठे दो आदमी सब कुछ देख रहे थे। ड्राइवर सीट पर लगभग 25 साल का एक आदमी बैठा था और वो एक नॉर्मल सूट में था। वो ये सब देखकर बहुत एक्साइटेड था। वाओ, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि ये लड़की इतनी पावरफुल होगी। मेरा भी मन कर रहा है कि मैं इसके साथ एक फाइट करूं। पक्का हार जाओगे तुम, बगल में बैठे आदमी की आवाज़ आई। पहला आदमी तुरंत परेशान हो गया। बगल में बैठा आदमी उससे कई साल बड़ा था। वो लगभग 30 साल का एक हैंडसम शख्स था। दिखने में ही वो काफ़ी पावरफुल लग रहा था। ये सुनकर ड्राइवर सीट पर बैठा आदमी नाराज़ हो गया। उसने कंप्लेंट की, बॉस प्लीज़ अपने दोस्त को उदास थोड़े ना करते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या तुम इन सबको एक मिनट में हरा सकते हो, उस आदमी ने पूछा। ड्राइवर सीट पर बैठा आदमी कुछ शर्मिंदा हुआ। जाहिर सी बात है वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि वो उन्हें कुछ ही मिनटों में हरा सकता था, लेकिन जैसा उस लड़की ने किया था वैसा वो कुछ नहीं कर सकता था। शिबा, पता करो इन लोगों का हेड कौन है, मुझसे बिना पूछे किसी खरीदार से पैसे लेने की इनकी हिम्मत कैसे हुई, उस आदमी ने आराम से कहा। पर यह साफ था कि वो गुस्से में था। असल में वो आदमी डॉन गैंग का लीडर नीरज राणा था। हालांकि डॉन गैंग एक ग्रुप था, लेकिन उनके भी अपने कुछ असूल और नियम थे। किसी भी क्लाइंट से चुपके से पैसे लेना ग्रुप में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता था, और ना ही प्रोटेक्शन फीस लेना। भले ही उनके नियम थे,
कुछ लोग उन्हें अपनी पसंद के हिसाब से तोड़ते थे। जी बॉस, शिवा ने जवाब दिया। दीपिका थोड़ी दूर जाते ही रुक गई, इसलिए नहीं कि वो भूल गई थी बल्कि इसलिए उसे अपने असली ड्राइवर को ढूंढना था। अब उसे उस ड्राइवर के लिए थोड़ी सी चिंता हो रही थी और थोड़ा सा उस पर शक भी था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ड्राइवर भी उन गुंडों के साथ मिला हुआ था, पर यह भी तो हो सकता है कि वो खुद किसी मुसीबत में हो। दीपिका ने कार रोकते ही अपना फोन निकाला और ड्राइवर के नंबर पर कॉल किया, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला। इतने में ही दीपिका पुलिस को कॉल करने वाली थी कि उसे कार की डिग्गी में से आवाज आई। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया, उसने तुरंत डिग्गी खोलने के लिए बटन दबाया और कार से उतरकर उसके पास गई। ड्राइवर वहीं था, असली ड्राइवर जो उसे लेने आने वाला था। उसे कसकर बांध दिया गया था, उसके मुंह पर भी कपड़ा बांध दिया था ताकि वो चिल्ला न सके। दीपिका को देखते ही वो खुश हो गया था। वो जानता था कि दीपिका उसे बचाने के लिए वहां थी। वो बहुत कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। ड्राइवर को सही सलामत देखकर दीपिका को भी राहत मिली। उसने तुरंत उसे छुड़ाया और फ्री होते ही ड्राइवर ने तुरंत उससे माफी मांगी। दीपिका मैम, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, पर मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं ये कहानी। मैं हूँ स्वरा।